सभी साथियों को आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज साथियों, दो दिन से दंगों के अंदर अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके विरोध में आज शहर में नौमान मसूद साहब थाने में भी पहुंचे और नगरपालिका के अंदर भी जाकर जो तहसीलदार और तमाम प्रशासनिक अधिकारी आए हुए थे उनके खिलाफ भी हम लोगों ने खड़े होकर आज उस कार्रवाई को रुकवाने की हमने कोशिश करी है और किसी हद तक हमने उसे रोक भी दिया है। हम लोग पिछले 2 महीने से प्रशासन से लड़ रहे हैं कि इस अतिक्रमण के नाम पर गंगों के ऊपर हमला ना हो, लेकिन प्रशासन ने मनमानी करते हुए शुरुआत करी और कई गरीब लोगों के खोके हटाए, जिसके लिए हम लोगों ने नया, हम लोग इंशाल्लाह बोर्ड से प्रस्ताव कराकर उन्हें कानूनी रूप पर दोबारा स्थापित करने का काम करेंगे। इंशाल्लाह किसी का हम लोग रोजगार छिनने गंगों में नहीं देंगे। भाजपा के तमाम लोग लगातार अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को और मुसलमानों को परेशान करने की गंगों में कोशिश करने की बार बार सरकार से अपील करते हैं। मैंने कहा भी, मेरी कल SDM साहब से और EO साहब से बात भी हुई थी और आज चेयरमैन साहब ने उस पूरी फाइल को उजागर भी कर दिया। जिस तरीके से भाजपा के नगर अध्यक्ष ने शिव चौक के ऊपर कब्जा कर रखा और तमाम भाजपा समर्थित लोगों ने दुकानों को पक्का करके अतिक्रमण फैला रखा है, सिर्फ गरीबों का अतिक्रमण दिखता है प्रशासन को, ये बात हजम नहीं होती। रही बात हमारे गरीब भाइयों की, तो इंशाल्लाह जब तक जान में जान है और नौमान मसूद जिंदा है और उसकी आल जिंदा है, हम लोग गंगों के अंदर गरीबों के ऊपर उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें पुनः स्थापित कराएंगे और उनके रोजगार को दोबारा शुरू कराएंगे। और साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता था कि आज कल एक दिन पूरा मिला तमाम नेताओं को, कहाँ थे वो समाजवादी पार्टी के नेता, कहाँ थे वो लोकदल के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करा करते थे। कमरे में बैठ के सिर्फ बयान देना बहुत आसान है, सड़क पर जाकर रोकना नौमान मसूद से उन लोगों को सीखना चाहिए। भाजपा के खिलाफ जब नौमान मसूद साहब बोलते हैं तो ये पैटर्न चलता आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के और लोकदल के लोग नौमान मसूद साहब के खिलाफ बोलने लगते हैं। मतलब ये बात समझ से परे है कि जो लोग ये, मुझे लगता है या तो भाजपा विधायक से पैसा लेकर ये लोग बोलते हैं, मुझे ये तो लगता है या तो भाजपा वाले इन्हें पैसा देते हैं, ये पैसा लेकर बोलने वाले लोग हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि अभी तो पहली बरसात करी नौमान मसूद ने, ये मेंढक पहले ही कहां से निकल के आ गए। अगर हिम्मत है ना और मादा है तो भाजपा के खिलाफ बोलकर दिखाएं, भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएं। हमारा झगड़ा भाजपा से है, आप लोगों का मकसद सिर्फ नौमान मसूद को हराना है, आप लोगों का मकसद सिर्फ गंगों की जनता को गुमराह करना है। और मैं गंगों के लोगों से अपील करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इन मुनाफिकों को समझें। ये मुनाफिक कभी आपके लिए आवाज नहीं बन सकते। एक भाई साहब उसमें मुझे कट्टर बता रहे हैं, अपने समाज के लिए आवाज उठाना और अपने समाज के हक में बोलना कट्टरता नहीं है। अगर मैं दलित और मुसलमान की आवाज उठाता हूं तो एक भाई साहब मुझे कट्टर बताते हैं। भाजपा का दिन भर यही काम है और ये भाजपा की बोली बोल रहे हैं। भाजपा वाले भी हमजा मसूद को कट्टर बताते हैं और ये सपा और लोकदल वाले भी बार बार कट्टर बताने की कोशिश। क्या अपने समाज के हक में बोलना कट्टरता है? मैं तो सिर्फ अपने समाज के हक, और जुल्म अगर किसी हिंदू भाई पे भी होगा तो भी हमजा मसूद बोलेगा। तो उन लोगों को नसीहत देना चाहता हूं कि झगड़ा भाजपा से है, लड़ाई भाजपा की गलत नीतियों से है। नौमान मसूद पर बयानबाजी करने के बजाय अगर भाजपा से लड़िए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप लोगों ने पैसे लेकर ठेका ले रखा है भाजपा को बार बार आगे लाने का, क्योंकि भाजपा को तो बोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि आप ही लोग उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर बोलने लगते हैं। और रही बात हमारी, हम गरीबों की आवाज बनते रहेंगे, इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम डरने और दबने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमजा मसूद हर चीज पर बोलेगा, चाहे दलितों पर हमला हो, चाहे मुसलमानों पर हमला हो। हमजा मसूद दलित एकता की बात, मुस्लिम एकता की बात करता रहेगा। आप चाहे मुझे कट्टर बताएं, चाहे मुझे कुछ बताएं। रही बात मेरे वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब गंगू पालिका के चेयरमैन हैं, मेरे वालिद साहब लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम किसी गरीब का रोजगार खत्म नहीं होने देंगे, हम किसी गरीब का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, हम उन लोगों को पुनः स्थापित करेंगे। इतनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।